धुआंदार चिकन। चिकन बनाने के लिए कढ़ाई में आधा कप तेल शामिल कर दें। जब गर्म हो जाए तो फिर आधा कप बारीक कटी प्याज शामिल करें। एक से दो मिनट पकाएं। फिर एक दालचीनी का टुकड़ा, एक अदद बड़ी इलायची, तीन से चार अदद लौंग, आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच साबुत जीरा शामिल करके एक मिनट के लिए पकाएं। फिर दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करें। मज़ीद एक मिनट के लिए पकाएं। चिकन शामिल करें। चिकन मैंने ली है 1 किलो। कढ़ाई में सारी चिकन शामिल कर दें। मैं फिर एक साइड से, जब 7-8 मिनट चिकन अच्छी तरह पक जाए तो साइड चेंज कर लें। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करें। 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करके इस साइड से भी चिकन को पकाएं। जब तक चिकन पकती है हम दही मसाला बना लेते हैं। 1 कप दही लिया, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा शामिल करें, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया शामिल करें, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच सालन मसाला शामिल कर दें, 1 चाय का चम्मच लाल सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करें, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करके अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। चिकन अच्छी तरह दोनों साइड से तकरीबन फ्राई हो चुकी है। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई होते हुए। अभी मज़ीद और फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इसमें दही मसाला शामिल कर दें सारा। अच्छी तरह मिक्स करें। साथ ही 1 से 1.5 कप पानी भी शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करें। जब उबाल आ जाए तो नमक सेट कर लें। आप मिर्च मसाले तेज़ या कम कर सकते हैं। फिर ढककर दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि चिकन बिल्कुल नरम हो जाए और ग्रेवी भी आपकी मर्ज़ी की रह जाए। फिर कोयले का धुआं दें। ढक दें 2 मिनट के लिए। मुझे इस चिकन में तेल ज़्यादा पसंद है, आप तेल कम भी शामिल कर सकते हैं। धुआंदार चिकन बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी बनाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।